भाई दूज के दिन गोधन कुटाई की रस्म अदा की जाती है और इस दौरान महिलाएं एक जगह एकत्र होकर यमराज और उनके साथ के सांप बिच्छू इत्यादि के प्रतीकात्मक मूर्तियां गोबर से बनाकर उसे चने एवं अन्य सामग्रियों के साथ कूटती हैं और अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। भारतीय परंपरा में ऐसे कई त्योहार हैं जिनके जरिए परिवार के प्रत्येक सदस्य की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। ऐसा ही एक पर्व भाई दूज का होता है और इस भाई दूज के दिन उत्तर भारतीयों में गोधन कुटाई की रस्म अदा की जाती है। इस दिन महिलाएं एक जगह एकत्र होकर यम एवं अन्य जहरीले जीव जंतुओं के प्रतीकात्मक मूर्तियों को गोबर से बनाती हैं और फिर इन्हें सभी महिलाएं मिलकर कूट कूट कर मारती हैं और इस दौरान अपने भाई के दुश्मनों को कूटने का गीत भी गाती हैं, साथ ही अपने भाई के लंबी उम्र की कामना भगवान शिव से करती हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक राजा के पुत्र का विवाह होना था और उस राजा ने विवाह में अपनी विवाहिता पुत्री को भी न्योता दिया था। जब विवाहिता पुत्री अपने भाई के बारात में जाने के लिए तैयार हुई तो उसने सुना कि बारात में जाते हुए यमराज उसके प्राण ले लेंगे। तभी उस बहन ने अपने भाई के रास्ते में आने वाले सभी खतरनाक और जहरीले जीव जंतुओं को पकड़ पकड़ कर जान से मारा और उसे अपने आंचल में इकट्ठा करने लगी। जब बारात वापस घर पहुंची तो यमराज उनके दरवाजे पर भाई के प्राण लेने खड़ा था, परंतु भाई बहन के अटूट प्रेम को देखकर यमराज वहां से वापस चले गए और भाई को जीवन दान दे दिया। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन गोधन कुटाई की रस्म अदा की जाती है। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए नगरपालिक निगम भिलाई के वार्ड 21 कुरुत के ढांचा भवन में उत्तर भारतीय महिलाओं ने मिलकर इस रस्म की अदायगी की और अपने अपने भाई के दुश्मनों की जमकर कुटाई भी की। इस दिन अपने भाइयों को कोसने की भी एक रस्म होती है, जिसके बाद बहनें इसके एवज में अपने जीभ पर एक प्रकार के पौधे का कांटा चुभाती हैं और फिर उसी मुंह से अपने भाई की लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।